ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। पौराणिक काल के सबसे बड़े सिविल इंजीनियर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा कन्या संक्रांति को होती है। दोस्तों इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा की संपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। इससे क्या वो कार्य हैं जो हमें जरूर कर लेने चाहिए और क्या वो कार्य हैं जो हमें भूल कर नहीं करने चाहिए। विश्वकर्मा भगवान की पूजा आराधना हमें क्यों करनी चाहिए, क्या महत्व है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों भगवान विश्वकर्मा का जो जिक्र है वो 12 आदित्यों और लोकपालों के साथ ऋग्वेद में भी किया गया है। इस बार विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जा रही है, शुक्रवार का यह दिन होगा। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थी उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया था, जैसे कि सतयुग का स्वर्ग लोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका या फिर कलयुग का हस्तिनापुर। सुदामापुरी की तक्षम रचना के बारे में भी यह कहा गया है कि उसके निर्माता विश्वकर्मा ही थे। दोस्तों भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे जो कथा है वो यह है कि सर्वप्रथम जैसा जानते हैं हम कि नारायण अर्थात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। और ऐसा कहा गया है कि धर्म की वस्तु नामक पत्नी से वास्तु सातवें पुत्र थे जो शिल्प शास्त्र के प्रवर्तक थे, और उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए गए हैं, वो दो भुजा वाले, चार भुजा वाले, दस भुजा वाले, एक मुख, चार मुख और पंच मुख वाले हैं। उनके पांच पुत्र बताए गए हैं जो कि वास्तु शिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे और उन्होंने ही कई वस्तुओं का आविष्कार किया था। दोस्तों अब जो विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लें। कन्या संक्रांति पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है जो कि 17 सितंबर शुक्रवार को पड़ रही है, और जो संक्रांति का पुण्य काल होगा वो शुक्रवार को सुबह 6:07 से शुरू होगा, जो 18 सितंबर शनिवार को 3:36 तक रहेगा। अब दोस्तों जो राहु काल का समय होता है वो पूजा के लिए निषिद्ध हो जाता है, तो 17 सितंबर को राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक रहेगा, तो इस बीच आप विश्वकर्मा पूजा नहीं करेंगे। दोस्तों विश्वकर्मा पूजा के दिन विधि विधान से हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और उनसे आराधना करते हैं कि हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में तरक्की हो, बढ़ोतरी हो, मुनाफा बढ़े। खास तौर पे जिन लोगों के कल कारखाने हैं, मतलब कि जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जिनका औजारों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है वो काम करते हैं, ऐसे लोगों को इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा शुभ मुहूर्त जो मैंने बताई है उसमें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए आप उनका फोटो है, उनकी मूर्ति प्रतिमा जो भी है, आप अपने संस्थान में उसकी स्थापना करें। इस दिन भगवान विश्वकर्मा को पीले सफेद वस्त्र दें और सफेद पुष्पों से या फिर पीले पुष्पों से उनकी पूजा आराधना करें। आप उन्हें सफेद भोग अर्पित करें और इसके बाद विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा का पूजन करें। और इस दिन प्रसाद का वितरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप जो भी प्रसाद भोग अर्पित करें भगवान विश्वकर्मा को वो अपने संस्थान के, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर स्वयं भी ग्रहण करें। अब दोस्तों इस दिन वो कार्य जो आपको भूल कर नहीं करने हैं वो आप ध्यान से नोट करें, सुने। विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों और औजारों की पूजा होती है, तो ऐसे में इस दिन आपको आपके औजारों के साथ
सम्मान पूर्वक रहना चाहिए, गलती से भी उनमें पैर ना लगे। आपको इस दिन उनकी पूजा करनी होती है, मतलब कि पुष्प धूप दीप नैवेद्य से आपको अपने कारखाने में अपने घर में जो भी औजार हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र वाहन हैं, उनकी विशेष पूजा आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। देखिए वाहन सभी के घरों में होते हैं, तो ऐसे में अगर कारखाने नहीं हैं, कोई ऐसे कलपुर्जे, कोई ऐसे व्यापार से आप नहीं जुड़े हुए हैं जिसमें आपके पास इस तरह की कोई चीजें हों, लेकिन वाहन हम सभी के घरों में होता है, तो ऐसे में इस दिन अपने अपने वाहनों की पूजा जरूर करें। दूसरा वो कार्य, अगर किसी फैक्ट्री के मालिक हैं आप, तो इस दिन आपको औजारों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन उनकी बहुत अच्छे से सफाई करनी है और उन्हें आराम देना है, इसीलिए उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसी प्रकार से ये काम वाहनों के लिए भी होगा। इस दिन विश्वकर्मा पूजा के बाद लोग अपने वाहनों का इस्तेमाल नहीं करते, पूजा के बाद उन्हें उसी तरीके से रहने देते हैं, अगले दिन से वाहनों का इस्तेमाल वो करते हैं। दोस्तों तीसरा वो कार्य, देखिए हमारे घर में बहुत सारे सामान होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, और उन सामानों में कलपुर्जे होते हैं किसी भी तरह का। अगर जैसे हमारा मोबाइल ही है, इसकी भी पूजा हमें विश्वकर्मा पूजा के दिन करनी चाहिए। घर में टीवी है, फ्रिज है, जो भी मशीनरी की चीज़ें आपके घरों में है, सिलाई मशीन आप रखते हैं, आपको उन सभी चीज़ों की इस दिन बहुत अच्छे से जो भी रोज़मर्रा में आप प्रयोग में लाते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन उनकी साफ सफाई करनी है और उनकी पूजा इस दिन जरूर करनी है कि वो अच्छे से चलें और वो लंबे समय तक आपका साथ दें। दोस्तों चौथा वो कार्य, विश्वकर्मा पूजा के दिन आपका अगर मशीनों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, फैक्ट्री हो या कोई ऐसी चीजें हो जहां पर मशीनों से ही आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पर आपके काम के लिए, तो ऐसे में मशीनों का इस्तेमाल इस दिन आपको नहीं करना है। सभी मशीनों को जैसा मैंने पहले भी बताया आपको रेस्ट देना है और उनकी पूजा आराधना करनी है। दोस्तों विश्वकर्मा पूजा जो भी लोग करते हैं उन्हें गलती से भी इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। छठा वो कार्य, विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने व्यापार की उन्नति तरक्की के लिए आपको किसी भी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को जरूरतमंद को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको भूलकर नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो आपको विश्वकर्मा पूजा के दिन जरूर कर लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित हो। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।